Good morning, students. I hope that you all are good and gone through all the previous lecture videos. तो कल के जो न्यूमेरिकल सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया था. आज क्वेश्चन 8 से आगे के न्यूमेरिकल्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे. आप फटाफट, ये लेक्चर लाइव आप लोगों के लिए स्ट्रीम हो रहा है, लाइव चल रहा है. आप प्लीज इसका लिंक अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लासमेट्स को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका फायदा जो है उठा पाए. चलिए, तो जो हमारा आज का क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, और ये बहुत बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं जो आपके मोशन चैप्टर से रिलेटेड है क्लास 9th के लिए. ठीक है, तो ये आपको जरूर इस टाइप के क्वेश्चंस करने आने चाहिए. आपको एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चंस मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि एमसीक्यू फॉर्म्स में जब क्वेश्चंस होते हैं तो वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरह से भी वर्क करते हैं और एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की तरह भी वर्क करते हैं. ठीक है, तो उसमें दोनों ही चीजों की प्रैक्टिस हो जाती है. तो हम जो भी एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली सारे न्यूमेरिकल्स ही हैं ताकि आप लोगों की कैलकुलेटिव और न्यूमेरिकल एबिलिटी भी एनहांस हो सके. ठीक है, तो फटाफट लाइक कर दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं. तो आज का जो क्वेश्चन है हमारा, जो पहला क्वेश्चन है, कहा क्या कहा जा रहा है दैट अ बॉडी मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एट 20 मीटर पर सेकेंड, एट 20 मीटर पर सेकेंड. सो वेलोसिटी जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड दी हुई है, 20 मीटर पर सेकेंड. Undergoes an acceleration of -4 meter per second. जो acceleration है, वो -4 meter per second square दिया जा रहा है. अभी acceleration negative में दिया हुआ है, यानी इसे acceleration ना कह के अगर हम retardation कहें तो ज्यादा बेहतर होगा. ठीक है, ये basically हमें retardation दिया जा रहा है, यानी जो जो हमारी body है वो धीरे धीरे रुक रही है, stop हो रही है. कहा गया है after 2 seconds its speed will be, 2 सेकेंड के बाद इसकी स्पीड क्या होगी, 2 सेकेंड के बाद इसकी स्पीड क्या होगी. तो बड़ा सिंपल है, हमें टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड, ये पूछा जा रहा है. आप अगर ध्यान से देखें तो VAT आपकी इनिशियल ये वैल्यूज हो गई. आप फॉर्मूला था V equals to U plus AT, V equals to U plus AT, ये आपका फंडामेंटल फॉर्मूला था, फर्स्ट इक्वेशन थी मोशन की. अब आपको इनिशियल वेलोसिटी जो है वो दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड, ये जो वेलोसिटी है वो इनिशियल 20 मीटर पर सेकेंड दी हुई है. फाइनल आपसे पूछी जा रही है कि 2 सेकेंड बाद कितनी हो जाएगी, तो V आपसे पूछी जा रही है, U की वैल्यू आपको पता है 20 है, रिटार्डेशन -4 है तो प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा 4, एंड टाइम इज 2 सेकेंड, तो 4 into 2, तो 20 minus 8, that is 12 meter per second. तो जो final speed है वो 12 meter per second हो जाएगी, यानी 2 सेकेंड के बाद आपके बॉडी की स्पीड 12 meter per second हो जाएगी. चलिए, तो यहां तक तो क्लियर हो गया, सरल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था. देखिए, जैसे ही मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं आपको उसका आंसर बताऊं, आप तुरंत उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप भी इसको घर पे सॉल्व अपने आप कर सके. ठीक है, चलिए, तो स्क्रीनशॉट संग संग लेते चलिएगा, स्क्रीनशॉट लेने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. ठीक है, आप फटाफट इसको बाद में नोट कर लीजिएगा, अभी आप लाइव क्लास अटेंड करें, बाद में नोट करते चलें. चलिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 10. ओके, सो 20 किलोमीटर पर आवर की हमारा जो 10th क्वेश्चन है वो हमसे ये कह रहा है दैट अ कार इंक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 20 किलोमीटर पर आवर टू 30 किलोमीटर पर आवर. ओके, एंड इट इज हैपनिंग इन 10 सेकेंड, तो हमें एक्सेलरेशन बताना है. तो अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पर स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में दी हुई है और जबकि टाइम दिया हुआ है सेकेंड में, है ना. तो या तो टाइम को आप आवर में चेंज कर लीजिए या स्पीड को, वेलोसिटीज को, जो स्पीड्स दी हैं इनको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए. तो हम इन्हीं को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे. तो 20 किलोमीटर आर को अगर आप चेंज करना चाहें, अगर 20 किलोमीटर आर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहें, तो 20 की जो मीटर में वैल्यू होगी वही किलोमीटर है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया मीटर. चलिए, अपॉन आर्स को सेकेंड्स में, तो एक मिनट, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और हर मिनट में 60 सेकेंड्स. ठीक है, चलिए, ठीक है, तो बेसिकली 20 टाइम्स 5/18 आ गया,
यानी अगर किसी भी किलोमीटर पर आर वैल्यू को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5/18 से, या ऐसे समझिए 5/18 की भी अगर आप डेसिमल वैल्यू निकालें तो 0.27 निकल के आती है, ऑलमोस्ट 0.27। तो बेसिकली आपको 20 की मल्टीप्लाई करानी है 0.27 से, ठीक है। तो जैसी आप 20 की मल्टीप्लाई 0.27 से कराएंगे आपकी वैल्यू आ जाएगी 5.4, ठीक है। तो ये 5.4 मीटर पर सेकेंड, ये आ गई आपकी 20 किलोमीटर पर आर की मीटर पर सेकेंड में वैल्यू, कितनी 5.4, चलिए ऑलमोस्ट इतनी है, ये लगभग में निकल के आ जाती है। अब 30 किलोमीटर पर आर को भी चेंज करना है तो वही करेंगे, क्या करेंगे, 30 की भी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 5/18 से, यानी 0.27 से। तो 0.27 से मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई 30 की। अब 30 की मल्टीप्लाई 0.27 से करेंगे तो वैल्यू आपको निकल के आ जाएगी 8.1, 8.1 मीटर पर सेकेंड। अब आपके पास मीटर पर सेकेंड में वैल्यूज हैं, अब एक्सेलरेशन आप बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं। तो एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू 8.1, 8.1 माइनस 5.4 डिवाइडेड बाई 10। चलिए क्योंकि सेकेंड टाइम तो 10 ही सेकेंड दिया हुआ, चलिए तो 8.1 माइनस 5.4 कर दिया आपने, बताइए बेटा क्या वैल्यू आएगी, बताइए। तो इट इज 0.27 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब यहां पर इसलिए 0.3 है बेटा, ये ना मिसप्रिंट हो गया है, यहां पे 0.3 है। तो ये 0.27 ऑलमोस्ट 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की इक्विवेलेंट है। सो दैट इज दिस वन इज द आंसर। तो इस तरीके से हम इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसमें ध्यान रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस में हम यूनिट्स का कन्वर्जन बहुत ध्यान से करेंगे। यूनिट्स का कन्वर्जन अगर हमारा ठीक से नहीं हो पाया तो आपका क्वेश्चन निश्चित ही गलत हो जाएगा। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा बेटा, यहाँ पे 0.3 है, ऑप्शन नंबर बी में 0.3 लिखिएगा, ठीक है। ऑप्शन बी जो है वो 0.3 है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अ बॉडी हुज स्पीड इज कांस्टेंट, ठीक है, हुज स्पीड इज कांस्टेंट मस्ट बी एक्सेलरेटेड, माइट बी एक्सेलरेटेड, हैज अ कांस्टेंट वेलोसिटी, कैन नॉट एक्सेलरेटेड। चलिए अब ये इसमें मोर देन करेक्ट आंसर्स हैं। अ बॉडी हुज स्पीड इज कांस्टेंट, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में मोर देन वन करेक्ट आंसर्स है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस जेईई मेंस एडवांस वगैरह में पूछे जाते हैं। चलिए कैसे है इसमें मोर देन करेक्ट आंसर बताते हैं। एक बॉडी जिसकी स्पीड कांस्टेंट है, भाई स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी वो पर्टिकुलर टाइम में बराबर डिस्टेंस ही कवर कर रहा है, किसी भी टाइम में, या हम कहें एक सेम टाइम इंटरवल में वो सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ये तो स्पीड हुई। अब हमें पता है कि अगर कोई पार्टिकल की जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या है, कि भाई अगर वो ऐसे ऐसे जा रहा है तो ये पूरी लेंथ, पाथ की पूरी लेंथ तो डिस्टेंस होगी, लेकिन जो एक स्ट्रेट लाइन फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट को जोड़ेगी वो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये तो है आपका डिस्प्लेसमेंट, ये है डिस्प्लेसमेंट, और ये जो आपको लाइन दिख रही है जो टोटल पाथ उसने कवर किया, ये है आपका डिस्टेंस। अब आपसे ये थोड़ा ना कहा जा रहा है कि वो, अब मान लीजिए अब कोई पार्टिकल सीधी लाइन में ही चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो यही चीज डिस्टेंस है, यही चीज डिस्प्लेसमेंट भी है। उस स्थिति में जो स्पीड है वही वेलोसिटी भी होगी। तो अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट है तो उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी भी हुई, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन में ये नहीं कहा जा रहा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है। आपसे कहा जा रहा है सिंपल, अ बॉडी हुज स्पीड इज कांस्टेंट, तो ऑब्वियसली उसकी स्पीड अगर कांस्टेंट है तो उसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी इफ इट इज इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। चलिए दूसरा, मस्ट बी एक्सेलरेटेड, मस्ट बी, अब जब इस वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा, स्पीड में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो एक्सेलरेशन तो हो ही नहीं सकता, एक्सेलरेशन तो
हो ही नहीं सकता, तो कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड जब कॉन्स्टेंट है। तो सी और डी दोनों ही करेक्ट है, मस्ट बी एक्सेलरेटेड गलत है, माइट बी एक्सेलरेटेड गलत है। तो ये दो क्वेश्चंस, ये इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर आपसे पूछ लिए जाते हैं जिसमें मोर देन टू करेक्ट आंसर्स होते हैं। यहां पर हो सकता है ये भी लिखा होता एक ऑप्शन में, ये होता हैज अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, एक ऑप्शन ये दिया होता, दूसरा ऑप्शन दिया होता ए एंड बी बोथ, एंड फोर्थ ऑप्शन दिया होता नन ऑफ दीज, तो ए और बी बोथ पे आप जो है निशान लगाते, टिक कर देते। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस जो है आते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अगर इसमें अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स बेटा बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर हम सिंगल को प्रायोरिटी दें तो अगर उसकी स्पीड कॉन्स्टेंट है तो दैट इज कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड, एंड इफ इट इज एन स्ट्रेट लाइन पाथ देन हैज अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी ऑल्सो। तो ये दो ऑप्शन इसके सही होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। When the distance that an object चलिए when the distance that an object is directly proportional to the length of the time, आपसे क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है When the distance that an object travels is directly proportional to the length of the time it is said to travel with, ठीक है? तो एक जो distance है, जो length है, ठीक है? अब इसमें distance कही जा रही है, distance is directly proportional to the time, ठीक है? अब हमें पता है कि अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लाएंगे, तो डिस्टेंस कांस्टेंट हम ले आए, ठीक है, कांस्टेंट हमने ले लिया एस, टाइम तो टाइम ही रहा, तो इस तरह आपको एस की वैल्यू मिल गई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें अच्छे से पता है यहां पे ये जो एस है दैट इज नथिंग बट द स्पीड, है ना? तो अगर कोई पार्टिकल सेम डिस्टेंस और टाइम एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी वो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, तो ऑप्शन बी इज द राइट। चलिए इसको आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। पार्टिकल मूव्स With a uniform positive acceleration, its velocity time graph will be, ठीक है? अब ध्यान रखिए, particle जो है वो positive uniform acceleration से चल रहा है, positive uniform acceleration, तो मैंने आपको accelerated motion and constant uniform acceleration इन सभी के graph समझाए थे बेटा, फिर से एक बार देख लीजिए। मान लीजिए ये velocity और time graph है, ठीक है? तो velocity time graph में कांस्टेंट एक्सेलरेशन कब होगा, जब हर एक पॉइंट पर किसी भी एक पॉइंट के लिए वेलोसिटी और टाइम का रेशियो इक्वल रहेगा, वेलोसिटी और टाइम का रेशियो इक्वल रहेगा, उस कंडीशन में रहेगा। यानी अगर ये पॉइंट हमारा ए है, ये पॉइंट हमारा बी है और ये पॉइंट हमारा सी है, और ये तीनों ही पॉइंट अगर एक स्ट्रेट लाइन में है, ये तीनों ही पॉइंट अगर एक स्ट्रेट लाइन में है, तो इस टाइप के कर्व को हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर्व कहते हैं। कि वेलोसिटी और वेलोसिटी में लगातार चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, लेकिन जो चेंज है वो कांस्टेंट है ना, तो दैट इज अ पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड यूनिफॉर्म। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर हम यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन की बात करें तो वो कर्व या वो लाइन जो है, That straight line parallel to the time axis? No. The straight line inclined at an obtuse angle to the time axis. The straight line inclined at an angle acute with the time axis. Just a minute, beta. Hello. हाँ. अरे बता तो दिया था. हाँ, उसी लिए तो gap था ना उसमें PTM में. चलिए
Okay, so a straight line inclined at an acute angle to the time axis. So option number C is the right here. ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर फोर देखिएगा, सॉरी फोर्थ 14th क्वेश्चन देखिएगा. स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स, स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ. चलिए बहुत अच्छा, स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको क्या देगा. सो स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप आपको एक्सलरेशन की वैल्यू देगा. मैंने आपको अभी बताया कि भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और बिल्कुल वैसे ही स्पीड टाइम ग्राफ भी काम करता है. तो जिस तरह वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको एक्सलरेशन देगा, वैसे स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप भी एक्सलरेशन देगा. चलिए ठीक है, तो दैट इज एक्सलरेशन. और मैंने आपको जब अभी कुछ दिनों पहले मैंने ग्राफ बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस कराए थे, मैंने ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आपको करवाए थे, तो मैंने आपको बताया था कि अगर उसमें कोई क्वांटिटी एक्स और कोई क्वांटिटी वाई में ग्राफ बना है, ठीक है, और कोई क्वांटिटी जेड है जो एक्स अपॉन वाई के बराबर है, और कोई क्वांटिटी सपोज पी है जो एक्स इंटू वाई के बराबर है, ठीक है, और ये है मान लीजिए आपका कोई कर्व है ये ऐसा, ठीक, और आपसे कहा जाता है कि पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक के बीच में जेड की वैल्यू और पी की वैल्यू निकालिए, ये आपसे कहा जाता है. तो ये मैंने ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस में आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि अगर आप ए और बी से एसोसिएटेड एरिया निकाल लें, अगर आप ए और बी से एसोसिएटेड एरिया निकाल लें, यानी आप इस पॉइंट का प्रोजेक्शन यहां दे दें और इस एरिया को कैलकुलेट कर लें, इस एरिया को कैलकुलेट कर लें, तो आपको पी की वैल्यू मिल जाएगी. और अगर आप ए और बी का स्लोप कैलकुलेट कर लें, यानी यहां से एक्स की डिस्टेंस कितनी है, एक्स वैल्यू निकाल लें, यहां से वाई की वैल्यू निकाल लें और एक्स अपॉन वाई कर दें, तो आपको जेड की वैल्यू मिल जाएगी, स्लोप की वैल्यू मिल जाएगी. तो कब हमें स्लोप निकालना होता है, कब हमें एरिया निकालना होता है, ये सभी चीजें मैं बहुत अच्छे से आपको बता चुका हूं. आप फिर से एक बार उन ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन को जाकर देखिएगा. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15. चलिए क्वेश्चन नंबर 15. अ पार्टिकल एक्सपीरियंसेस कॉन्स्टेंट एक्सलरेशन, अ पार्टिकल एक्सपीरियंसेस कॉन्स्टेंट एक्सलरेशन फॉर 20 सेकेंड्स आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. ठीक है, चलिए तो रेस्ट से स्टार्ट होता है, यानी रेस्ट पे वेलोसिटी यू इक्वल टू जीरो, एक्सलरेशन कितना है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है जो कि 20 सेकेंड तक लगा. कितने सेकेंड तक लगा है, 20 सेकेंड तक, टाइम 20 सेकेंड तक लगा. चलिए आफ्टर सडन इफ इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस एस वन इन द फर्स्ट 10 सेकेंड, वो फर्स्ट 10 सेकेंड में, टी वन के फर्स्ट 10 सेकेंड में, ठीक है, फर्स्ट 10 सेकेंड में वो डिस्टेंस चलता है एस वन, एंड डिस्टेंस एस टू इन द नेक्स्ट सेकेंड, और अगले 10 सेकेंड्स में वो डिस्टेंस चलता है एस टू. ठीक है, तो आपको निकालना है एस टू, मतलब ये बताना है कि एस टू जो है एस वन से बड़ा होगा, एस टू और एस वन में आपको रिलेशन जो है बताना है. चलिए तो बड़ा सिंपल है बेटा ये, ठीक है, कॉन्स्टेंट एक्सलरेशन है ना, कॉन्स्टेंट एक्सलरेशन की बात कर रहा है. तो आप याद रखिए न्यूटन की सेकेंड इक्वेशन, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन आपको याद होगी अच्छे से. अब आपको इनिशियली इसमें कह दिया गया है कि जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी यू है वो तो जीरो है, तो इक्वेशन हो जाएगी एस इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर. ठीक है, हाफ ए टी स्क्वायर. अब पहले 10 सेकेंड्स में, पहले 10 सेकेंड में उसके द्वारा चली गई जो उसकी जो डिस्टेंस है, जो उसने डिस्टेंस चली है, दैट इज 10 सेकेंड. 10 सेकेंड में उसने एस वन चला है ना, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यानी एस वन इक्वल्स टू हाफ, एस वन इक्वल्स टू हाफ
A, 10 square means 100. So that is 50. So S1 equals to 50A. ये आपका एक इक्वेशन निकल के आ गई. बिल्कुल ऐसे ही S2 equals to half A. अब टाइम देखिए बेटा, आपको इसमें ये कह दिया गया है कि वो टाइम जो है वो अगले 10 सेकेंड में वो S2 डिस्टेंस चलता है. तो अगर हम यहां पर S1 और S2 दोनों कर दें, S1 और S2 दोनों कर दें, तो हम टाइम यहां पर 20 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल 20 लिख सकते हैं, है ना. तो हम यहां पर लिख देंगे टाइम 20 सेकेंड्स का स्क्वायर. सो S1 प्लस S2 इक्वल्स टू आ जाएगा आपका, कैलकुलेट करके बताइए बेटा कितना आ जाएगा, 20 स्क्वायर यानी 400 डिवाइडेड बाय 2. सो दैट इज 200A. तो ये क्वेश्चन 2 हो गई आपकी. अब आपको इधर देखो ध्यान से दिया है, S1 की वैल्यू 50A है, S1 की जगह 50A रख दीजिए. तो 50A इक्वल्स टू प्लस S2 इक्वल्स टू 200A, विच मीन्स S2 इक्वल्स टू 200A माइनस 50A यानी 150A. ठीक है, ये आपकी वैल्यू निकल के आ गई. अब अगर आप ध्यान से देखें, मैं इसे थोड़ा मिटा दे रहा हूं बेटा, इरेज कर दे रहा हूं, जो चीज हमारे काम की नहीं है, जो चीज हमारे काम की नहीं है हम उसे हटा दे रहे हैं. अब आप ध्यान से देखिए, हमारी जो वैल्यू है किसकी, S1 की, वो वैल्यू निकल के आई है 50A. S2 की वैल्यू निकल के आई है 150A, है ना. आप अगर इनको डिवाइड कर दें तो A से A कैंसिल हो जाएगा एंड ये इट इज हो जाएगा 3 टाइम्स, यानी कि S1 अपॉन S2 इक्वल्स टू 1/3, विच मींस S2 equals to 3 times of S1. आ गया निकल के. ये एक बहुत ट्रेडिशनल मेथड से मैंने आपको कराया है, एकदम फॉर्मुलेटरिक मेथड से स्टेप बाय स्टेप करवाया है. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. ध्यान रखिएगा, इसमें हमने न्यूटन की सेकेंड इक्वेशन का यूज किया है बेटा. सेकेंड इक्वेशन जो है S equals to ut plus half at square. और इसमें कहा गया है कि पार्टिकल कहां से चलता है, रेस्ट से चलता है. तो रेस्ट का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी u जीरो है. ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप बाद में से नोट कर सकें. चलिए, तो हमारे 5 क्वेश्चन हमने अभी कवर अप करे हैं, 7 क्वेश्चन कवर अप कर लिए हैं. हम अभी आगे क्वेश्चन कुछ और कवर अप और करेंगे. चलिए, क्वेश्चन नंबर 16. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द ऑब्जेक्ट डज नॉट पजेस एन एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन व्हेन इट मूव्स इन. तो हमें ये हमारे पास चार कुछ सिचुएशंस हैं और हमें बताना है कि इन सिचुएशंस में कि किसमें एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन जो है वो नहीं लगेगा व्हेन द पार्टिकल इज स्टार्ट्स मोशन. सो द अपवर्ड डायरेक्शन विद डिक्रीजिंग स्पीड, अपवर्ड डायरेक्शन विद डिक्रीजिंग स्पीड, सो ऑफ कोर्स उसमें तो एक्सेलरेशन लगता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन जिसे हम रिटार्डेशन कहते हैं, माइनस जी, बाय ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है ना, तो हमारा ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता. पहले तो गलत हो गया. अगला, डाउनवर्ड डायरेक्शन विद इंक्रीजिंग स्पीड. तो जब बॉडी गिरती है नीचे तो ग्रेविटी के साथ गिरती है, ग्रेविटी के डायरेक्शन में गिरती है, तो हमारा एक्सेलरेशन जी वर्क करता है. तो ये तो वर्क कर रहा है इसमें एक्सेलरेशन, तो ये भी नहीं हो सकता. थर्ड, विद कॉन्स्टेंट स्पीड अलॉन्ग सर्कुलर पाथ. कॉन्स्टेंट स्पीड विद सर्कुलर पाथ, हमें पता है कि अगर कोई कॉन्स्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ में चल रहा है तो भी हर एक पॉइंट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो लगातार उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है, और हर पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने के कारण सेंटर की तरफ में एक एक्सेलरेशन लगता है जिसे हम सेंटिपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं. सर्कुलर मोशन में हमने इसे बहुत अच्छे से पढ़ा है. तो सी भी नहीं हो सकता क्योंकि सी में भी एक्सेलरेशन लग रहा है सेंटर की तरफ. So, बचा डी. डी ही हमारा राइट आंसर है. विद कॉन्स्टेंट स्पीड अलोंग हॉरिजॉन्टल पाथ, बस यही एक है कि अगर सीधी रेखा में सीधे हॉरिजॉन्टल पाथ में कॉन्स्टेंट स्पीड से चल रहा है तो कोई एक्सेलरेशन जो है नहीं लगेगा.
बाकी ऊपर के सभी केसेस में एक्सेलरेशन अप्लाई होगा। तो क्या क्या अप्लाई होगा जरा हम देख लें। ऊपर जाएगा तो एक्सेलरेशन माइनस डी, जिसको आप रिटार्डेशन कह सकते हो, रिटार्डेशन कह सकते हो। नीचे आएगा डाउनवर्ड तो एक्सेलरेशन प्लस जी लगेगा, जो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, जिसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। थर्ड में जो एक्सेलरेशन लगेगा उसे हम एसी कहते हैं, यानी ये एक टाइप का सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होता है, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। और फोर्थ, इसमें हमें कोई एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा। तो ये क्वेश्चन बढ़िया है, अच्छा है, आप इसको नोट करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे क्या कह रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 17, अ पर्सन ट्रेवल्स डिस्टेंस पाई आर अलोंग द सर्कमफेरेंस of a circle of radius r, displacement of the person is, चलिए तो बड़ा सरल है ये, तो देखिए एक व्यक्ति है, एक पर्सन है जिसने डिस्टेंस चली है पाई आर, जिसने डिस्टेंस चली है पाई आर, कहां चली है, अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल ऑफ द रेडियस। तो सर्कमफेरेंस कितनी होती है, सर्कमफेरेंस तो 2 पाई आर होती है ना भाई, वो यहां से यहां तक चलेगा पूरा 2 पाई आर होती है। तो वो पॉइंट ए से चल के जब दोबारा पॉइंट ए पर आएगा तभी तो 2 पाई आर डिस्टेंस कवर करेगा। अब उसने आधी कवर करी है, यानी वो यहां से सिर्फ यहां तक आया है, वो यहां तक आया, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आया है सिर्फ, तभी तो पाई आर डिस्टेंस है, पाई आर ये, पाई आर ये, तभी तो मिलके 2 पाई आर सर्कमफेरेंस बनती है। अब वो पाई आर ही चला है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट हमसे पूछा जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी का डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेंटर से होके पास हो रहा है, यानी ये तो डायमीटर हो गया, डायमीटर हो गया, डायमीटर यानी 2 टाइम्स ऑफ रेडियस हो गया, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, दैट इज ऑप्शन बी। तो ये तो बड़ा सरल क्वेश्चन था, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अगर वो 2 पाई आर चलता, अगर 2 पाई आर चलता तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होता, क्यों, क्योंकि पॉइंट ए से चलकर फिर से पॉइंट ए पर आ गया, तो वो कितना खिसका, डिस्प्लेसमेंट मैंने खिसकना, तो कितना खिसका, कुछ नहीं खिसका, वो तो वहीं पे आ गया, तो जीरो हो जाता, ठीक है। चलिए ये चीज ध्यान रखिएगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18, और शायद आई थिंक इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, the velocity of an object is directly proportional to the time elapsed the object has, ab velocity jo hai wo directly proportional hai time ke, theek hai, velocity of an object is directly proportional to the time, velocity of an object is directly proportional to the time, which means aap yahan par agar constant add kar rahe hain, maan lijiye constant aapka k hai to t ho jayega, yani velocity upon time equals to k। ab aapko yaad hoga velocity upon time kya hota hai, कुछ मिलती जुलती चीज याद आ रही होगी, एक्सेलरेशन, यानी अगर वेलोसिटी टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वो कांस्टेंट बेसिकली क्या है, एक्सेलरेशन। तो इफ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम देन द ऑब्जेक्ट हैज कांस्टेंट एक्सेलरेशन, या हम जिसे कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। चलिए देखते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो ऑप्शन ए ऑप्शन बी तो हो नहीं सकता, ऑप्शन सी या डी में से कोई एक होगा। चलिए तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी ऑप्शन सी इज द राइट, ठीक है। चलिए तो यहां तक आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने करे हैं जो एमसीक्यू बेस्ड थे, और फोर्स के क्वेश्चंस भी हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। अभी तक हम लोगों ने मोशन से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व किए, कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया। आप प्लीज इन सभी न्यूमेरिकल्स को अपनी कॉपी पर नोट करें, इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी करें, ताकि आपको और एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग लेवल पर आपकी मोशन की कॉन्सेप्ट डेवलप हो सके। अगर आप पहली बार इस चैनल पे हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बढ़िया से पढ़ें। थैंक यू लर्नर्स।